Hello everyone, welcome to the new beginning. This video is a must watch for all those who have chosen banking as a career and want to get a bank job this year. So 2022 is yours. Mere sare friends aise sare fresh candidates jo abhi abhi graduate hue hain and wo sabhi candidates who unfortunately couldn't clear the prelims this year or regrettably couldn't get through the mains. So this video is for you. Here in this video we will discuss what to study, from where to begin, mocks kahan se lagana hai, books agar use karni hai to kaun si karni hai, and everything you need to know. Okay, so if you are new to the channel, let me tell you, this is Sabia Rukhsar, currently working as an RRBPO, and I have cleared 4 to 5 mains, appeared for 3 interviews, and finally selected in 3 examinations, all in my first attempt. Okay, so let's begin the video. Here, firstly, in this video where I shared with you my 5 most important reasons behind clearing examinations, yahan par isi cheez se hum shuruaat karenge aaj ki kya wo cheeze hai jo aapke andar honi chahiye. Theek hai, फर्स्ट थिंग, यू ऑलवेज हैव टू फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर सेल्फ. ठीक है, आप जिस भी पोजिशन में आज हैं, आपको ये कोशिश करना है कि आप उस पोजिशन से एक कदम आगे रहें नेक्स्ट. आपका कॉम्पिटिशन आप खुद होने चाहिए. नेवर गिव अप एटीट्यूड. कभी भी आपको लग रहा है मॉक्स में आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आपसे नहीं होगा तो किससे होगा, हमें यही सोच कर आगे बढ़ना है. ठीक है, सो यू नीड टू कीप अ नेवर गिव अप एटीट्यूड. थर्ड थिंग इज डिटर्मिनेशन टू अर्न मनी. ये चीज़ जो है ना, ये होनी चाहिए हमारे अंदर. आई नो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स, लव एंड ऑल दोज विच मैटर, बट यू नो मनी कैन गिव यू हैप्पीनेस. मनी कैन गिव हैप्पीनेस टू योर पेरेंट्स, योर लव्ड वंस, और उसी चीज़ से आपको हैप्पीनेस मिलती है. सो डिटर्मिनेशन टू अर्न मनी, ये आपके अंदर एक होनी चाहिए. नेवर ऑप्टेड फॉर एक्सक्यूजेस. टू बी एक्सक्यूज नहीं देना है. अपनी जो हमारे अंदर कमी है ना, उसको हमें फील करना है कि हमारे अंदर ये कमी है, हमें होल्स को हमें फिल करना है. द लास्ट थिंग हियर इज स्ट्रेटजीज एंड रिसोर्सेज, जिसके बारे में हम बात करेंगे आज. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. माय डियर एस्पायरेंट्स, ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए. नहीं है, अगर ये लैकिंग है तो हमें इन सब चीज़ों को अपने अंदर लाना है. ओके, इस वीडियो में हम हर एक वो चीज़ डिस्कस कर लेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है, जो भी हमारे अंदर लैकिंग है. हो सकता है कुछ रिसोर्सेस आपको सही से नहीं पता रहा हो इस साल, इसलिए आपका नहीं क्लियर हो पाया. और अगर आप बिगिनर हैं तब तो आप बेस्ट ये वीडियो पे पहुँचे हैं. सम इम्पॉर्टेंट जो टिप्स हैं जो आपको स्टार्टिंग में ही पता होनी चाहिए, जैसे कि हमें कभी भी सिर्फ प्री के लिए नहीं पढ़ना है. ऐसा नहीं कि आपको बैंक एग्जाम क्लियर करना है और आप सिर्फ प्री की प्रिपरेशन करेंगे. वी नीड टू वर्क फॉर मेंस टू. ठीक है, साइड बाय साइड. ये आप याद रखिए कि ऐसा नहीं होता है यहाँ पर, क्योंकि आपको इन दोनों के बीच का जो गैप है ना, वो बहुत कम दिन मिलता है. इसलिए प्री के साथ साथ हमको मेंस की प्रिपरेशन स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करनी है. और इस साल जिन्होंने भी कहीं पर लैक किया, जिनका नहीं निकल पाया, कहीं ना कहीं वो खुद इस चीज़ को मानेंगे कि उन्होंने प्री के साथ साथ मेंस की प्रिपरेशन नहीं की थी. ठीक है, करंट अफेयर्स आपको हर दिन पढ़ना है. एवरी डे यू नीड टू टेक आउट टाइम फॉर करंट अफेयर्स. स्पीड और एक्यूरेसी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है. प्री के लिए स्पेशली आपको स्पीड पर फोकस करना होगा. ठीक, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आपको कुछ नोट्स साइड बाय साइड बनाने होंगे, लाइक इंग्लिश के लिए रूल्स के रिगार्डिंग, क्वांट के लिए प्रिंसिपल्स, फॉर्मूलाज, कुछ रूल्स, ऐसे आपको थोड़े से साइड बाय साइड कुछ नोट्स आप छोटे मोटे कहीं पर बनाकर चलिएगा, ताकि आपके लास्ट मिनट रिवीजन के साथ लिए काम आएंगे. ठीक है, एंड मॉक टेस्ट आपको एवरी डे, मतलब ये एवरी डे आपको 2 मॉक टेस्ट, मतलब ये तब आएगा जब प्रीलिम्स जो एग्जाम है ना आपका लगभग 15-20 डेज पास रहेगा, तब आपको 2 में स्विच कर देना है. फिलहाल जब आप अपनी प्रिपरेशन बिगिन कर रहे हैं तो वहां पर आपको 1 मॉक टेस्ट देना कंपलसरी है. अगर आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स अगर आप एवरी डे मॉक नहीं दे रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन अधूरी है. ये आप फर्स्ट डे से याद रखिए, हर दिन हमें मॉक टेस्ट देना है, उससे हमें डरना घबराना बिल्कुल नहीं है. ठीक है, एंड विथ ऑल दीज थिंग्स, फोकस ऑन योर हेल्थ एंड डू योगा और मेडिटेशन, एक्सरसाइज, वॉट एवर योर बॉडी नीड्स. आप अपने अनुसार ये सारी चीज़ों पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग, इवन आई हैव फेस दिस, कि पढ़ाई की वजह से हमारे हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाती है. इसलिए इस पर भी हम फोकस करेंगे. टारगेट बेस्ड हमको प्रिपरेशन करना है. टारगेट बेस्ड मतलब आप स्टार्टिंग में ही एक डायरी या कोई शीट मेंटेन करिए. वहां पर आपको क्या करना है, डेट, ये मैं हमेशा आपको बताई हूँ, ये डेट आपको लिखना है. डेट के लिए ऐसा कॉलम रहेगा इस तरीके से, ये डेट इस तरीके से. और स्टार्टिंग का कॉलम जो रहेगा वो टॉपिक का रहेगा, कि इस रीजनिंग 1 आवर, इंग्लिश 1 आवर, मॉक टेस्ट 1 आवर, एनालिसिस,
इस तरीके से, ठीक है, वीडियोस जो आप देखते होंगे या कुछ पीडीएफ वगैरह सॉल्व कर रहे हैं, हर चीज के लिए, करंट अफेयर्स के लिए द हिंदू एडिटोरियल, इस तरीके से आप पूरा टॉपिक यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर करेंगे टिक, ताकि आपको दिखता रहे कि आप कितनी चीजें कर रहे हैं और कितनी नहीं कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, हमने सिर्फ एक टॉपिक को पूरा दिन बैठकर पढ़ लिया, मतलब 4 to 5 hours हमने पढ़ लिया और लगा हमें कि हमने बहुत ज्यादा पढ़ लिया, लेकिन जब हम इस तरीके से अपने आप को एनालाइज करेंगे, देखेंगे हमारी शीट में कि हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, तब हमें समझ में आएगा कि हम सच में प्रोडक्टिव नहीं रहे हैं पूरे दिन भर। ठीक है, इस तरीके से आपको दिखेगा कि किसी दिन आपका सब में राइट है, किसी दो में रॉन्ग है, तो नेक्स्ट डे आप यहीं से स्टार्ट करिए और थोड़ा ज्यादा फोकस के साथ स्टार्ट करिए और ट्राई करिए अपने टारगेट्स को पूरी तरीके से अकम्प्लिश करने का। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस फाइनली कि हमें क्या और कहाँ से कैसे चीजें पढ़नी है। आपका टारगेट इस समय SBI क्लर्क, SBI PO, RBI असिस्टेंट, ESIC, UDC, जो भी सारे एग्जामिनेशंस आगे हैं, जिसका भी आप प्रीलिम्स देने वाले हैं, सबके नोटिफिकेशन या तो आ चुके हैं या तो आएंगे, तो आप उसके प्रीलिम्स को ही टारगेट कर रहे हैं, साथ साथ में हमें मेंस को भी ध्यान रखना है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम चीज़ें करेंगे वो याद रखिए, आप करंट अफेयर्स आपको डेली पढ़ना है। ठीक है, करंट अफेयर्स आप कहाँ से पढ़ेंगे, एक वीडियो सोर्स आपको रखना है, एक PDF सोर्स आपको रखना है। हमेशा मैंने बोला है दो सोर्स हमको फॉलो करने ही करने हैं, तो एक वीडियो सोर्स में या तो आप Study IQ को रख लीजिए, कोई भी, अगर आप किसी, मैं जो बता रही हूँ ना उसके अलावा भी किसी और में भी कंफर्टेबल होंगे तो आप उसको रख सकते हैं। ठीक है, Study IQ गौरव सर को आप फॉलो कर सकते हैं, या तो Adda247 में आशीष सर को डेली फॉलो कर सकते हैं, दोनों के डेली वीडियोस आते हैं। मैं आपको बताऊं पर्सनली अपना, तो मैंने Adda247 के आशीष सर को फॉलो किया है, मुझे वो बेस्ट लगते हैं करेंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं PDF सोर्स के लिए। तो PDF सोर्स के लिए इट इज़ नन अदर देन अफेयर्स क्लाउड। यहाँ पर अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया होगा अभी तक तो जाकर ले लीजिए, बेस्ट सोर्स है करंट अफेयर्स के लिए। अभी भी अगर आप बोलेंगे ना IBPS PO मेंस में किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, आपको मैं एक लिंक दूंगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं कि IBPS PO मेंस में जो क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, वो जैसे 40 क्वेश्चन है तो 29 to 30 क्वेश्चन डायरेक्ट अफेयर्स क्लाउड के हैं। आप Q&A PDF को अगर फॉलो भी कर रहे हैं, उसके अंदर के डिटेल्स को नहीं देख रहे हैं, तो ऐसा मत करिए। Q&A PDF जो मंथली होता है, उसके क्वेश्चन के बाद जो डिटेल्स रहती है ना, उसको थोड़ा सा रीड करिए और एक बार हाइलाइटर से मार्क कर दीजिए। एक बार अगर आपने मार्क कर दिया, देन अगेन व्हेन यू विल रिवाइज तो आपको आसानी होगी। इसलिए ये प्रैक्टिस में रखिए अपने कि आपको हाइलाइटर यूज करना है, ठीक है, ताकि आपको बार बार ज्यादा रीड ना करना पड़े। तो दैट वॉज ऑल, ये आपका करंट अफेयर्स का सोर्स हो गया। और अफेयर्स का तो सब्सक्रिप्शन नहीं लिया होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ऐप में जाके आपको सब्सक्रिप्शन लेना है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको पूरे साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। उसमें आप SR10 ये कोड यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, ये आपके काम आएगा मेंस में, आपके डिस्क्रिप्टिव में, आपके इंटरव्यू में, हर जगह करंट अफेयर्स आपको काम आने वाला है। तो एक रिलायबल सोर्स है ये अफेयर्स क्लाउड। आप किसी भी ऐसे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स से पूछेंगे तो आपको अफेयर्स क्लाउड जरूर रिकमेंड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका करंट अफेयर्स का डेली। आपको इसमें जो वीडियो सोर्स मैंने बोला उसमें 1 hour, मतलब मुश्किल से 45 minutes लगेंगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ कि जब आप वीडियो वगैरह देखते हैं ना, तो उसको ट्राई किया करिए 2 multiplier पे, या स्टार्टिंग करिए 1.5 multiplier पे देखने का। दैट मीन्स उसकी स्पीड बढ़ाकर देखिए। अगर आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं उसको भी थोड़ा बढ़ाकर देखिए, अपने आप को थोड़ा सा ना फास्ट करिए इन सब चीज़ों में, ऐसे ही आपका टाइम बचेगा। ठीक है, तो वीडियो सोर्स के लिए आपको 40 to 45 minutes लगेंगे और अफेयर्स क्लाउड का डेली PDF को जस्ट एक रीड देने के लिए आपको मुश्किल से 15 minutes लगेंगे। तो आप अपने इस करंट अफेयर्स की चीज़ को 1 hour में फिनिश कर सकते हैं। आपको डेली PDF पढ़ना है अफेयर्स क्लाउड का, और उसके बाद वीकली PDF से आपका रिवाइज हो जाएगा, मतलब सब कुछ। आपको एक सब्सक्रिप्शन में डेली PDF, वीकली PDF, डेली क्विजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम निकाल के आपको क्विजेस भी लगाने हैं, सब कुछ आपको उसी ऐप में मिल जाएगा। मंथली PDF, वो भी अलग अलग फॉर्मेट्स में, फिर उसके बाद एग्जाम बेस्ड टॉपिक वाइज PDF, कि जैसे कमिटीज पे बेस्ड अलग से PDF, ठीक है, अवार्ड्स पे बेस्ड अलग से PDF, इस तरीके से सारे टॉपिक वाइज PDF भी उसमें मिल जाएंगे। तो डेली आपको पढ़ना है 15 minutes देकर, फिर एक बार वीकली वाला PDF पढ़ के रिवाइज कर लेना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसको मैंने फॉलो किया और आज भी अगर हम मेंस एग्जामिनेशन कोई भी दे रहे हैं तो मंथली PDF का, मंथली का जो Q&A PDF है उसे हम फॉलो करेंगे। तो इसको आप जरूर पढ़ें, इसी से रिवाइज करें। ठीक है, करंट अफेयर्स का मैंने आपको बता दिया। द नेक्स्ट थिंग हियर इज द हिंदू एडिटोरियल, है ना, अगेन आई एम टेलिंग यू द हिंदू एडिटोरियल।
ये आपको पढ़ना ही है। आप ये किसी भी चैनल से फॉलो करते होंगे या से आप न्यूज़पेपर के पीडीएफ से रीड करते होंगे, कैसे भी करिए बट ये करिए। थोड़ा इजी होता है अगर हम किसी वीडियो सोर्स को फॉलो कर लें और उनके साथ साथ में उसे रीड कर लें, या फिर हम एक बार खुद से रीड करें और फिर किसी वीडियो सोर्स को फॉलो कर लें तो थोड़ा सा आसानी हो जाता है। निमिषा बंसल मैडम का ये द हिंदू एडिटोरियल का वीडियो आता है, उसे आप फॉलो कर सकते हैं, मैंने उसी को फॉलो किया है। और उसमें एक टेक्निक होती है स्किमिंग टेक्निक, मतलब ये स्किमिंग टेक्निक वो मैडम ने ऐसा सिखाया रहेगा आपको कि जब आप एग्जाम में इंग्लिश में पैसेज पढ़ते हैं ना तो आपके प्रीलिम्स में काम तो आएगा ही, मेंस में इंग्लिश इज ऑल अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पूरा सिर्फ पैसेज 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 रहेगा, तो वहां पर हमें पूरा पैसेज पढ़ने का टाइम और हिम्मत नहीं रहती है। तो स्किमिंग जो टेक्निक है ना कि ऊपर ऊपर से ओवर द लाइंस हम कैसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं और क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं, वो भी आपको इनके वीडियोस में समझ में आ जाएगा। तो निमिषा बंसल मैडम का द हिंदू एडिटोरियल का वीडियो भी आपको देखने में कुछ मिनट्स ही लगेंगे, 1 आवर से कम लगेगा, और इसी में से फिर द हिंदू एडिटोरियल का जो पीडीएफ आप पढ़ते हैं उसमें से ही आपको अपनी वोकैब डायरी को मेंटेन करना है। स्टार्टिंग से ही हम ये बात बोल रहे हैं, ठीक है, फिर आप लोग बाद में बहुत पछताते हैं, स्टार्टिंग से ही हम बोल रहे हैं वोकैब डायरी मेंटेन करिए, इंपॉर्टेंट वर्ड्स डिफिकल्ट वर्ड्स जो द हिंदू से आप निकाल के लाइए उसका मीनिंग लिखिए और अपनी खुद की वोकैब डायरी को मेंटेन करिए और फिर उसी से आप रिवाइज करते चलिए वीकली, ठीक है। ये हो गई चीजें। तो आप अगर आपके फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल ना दो प्रकार के स्टूडेंट्स होंगे, एक जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है एक जिनके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर है। जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं वो डायरेक्टली मूव करेंगे जो हम अभी बताएंगे, लेकिन जिनके कॉन्सेप्ट्स अभी क्लियर ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि कैसे इनइक्वालिटी सॉल्व किया जाता है, कैसे सिलॉजिज्म सॉल्व किया जाता है, कैसे हमें जल्दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना होता है, तो उनके लिए हम फर्स्टली बात करेंगे। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के लिए आप बुक्स रेफर करिए, लाइक निमिषा बंसल मैडम के रूल्स की बुक आती है, ठीक है, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, तो वहां से आपके रूल्स कवर हो जाएंगे। अड्डा 247 में कोई भी जैसे IBPS क्लर्क का नोटिफिकेशन आता है तो इसी पे बेस्ड एक सीरीज स्टार्ट हो जाती है, एक प्लेलिस्ट। SBI क्लर्क आता है, SBI PO आता है, IBPS PO आता है, तो उसी पे बेस्ड एक पूरी सीरीज स्टार्ट हो जाती है, लाइक इंग्लिश की, रीजनिंग की और क्वांट की। तो आप किसी भी एक प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, ऐसे बहुत सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे उनके चैनल पे, और उसको रेगुलर उनकी सारी वीडियोस को आप देख लीजिए। आपके सारे सब्जेक्ट्स के, इंग्लिश क्वांट रीजनिंग तीनों के लिए है ये एप्लीकेबल, सारे सब्जेक्ट्स के सारे जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब अलग से अगर हम बात करें रीजनिंग की तो आपको अंकुश लांबा सर से बेस्ट कोई नहीं मिलेगा इस फील्ड में। अंकुश लांबा सर की पजल्स की सीरीज आपको पड़ी हुई है, 1000 पजल्स की सीरीज, या आप अन अकेडमी से अगर पढ़ते होंगे तो वहां पर भी उन्हें मतलब फ्री वीडियोस डले हुए हैं, वो आप फॉलो कर सकते हैं। इन शॉर्ट आपको अंकुश लांबा सर को फॉलो करना है फॉर रीजनिंग, बहुत सारी वीडियोस, अनगिनत वीडियोस डली हुई हैं यूट्यूब पे, आप पजल्स के लिए इनको फॉलो करिए और बाकी सारी चीज़ों की प्रैक्टिस इन प्लेलिस्ट से हो जाएगी अड्डा 247 के। क्वांट की अगर बात करें तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे इस चैनल से करियर डिफाइनर, मैंने पहले भी बताया हुआ है अपने स्टूडेंट्स को, तो करियर डिफाइनर इज द चैनल वेयर यू विल गेट एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। जब ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके कहीं से क्लियर नहीं हो रहे हैं तो एक और चैनल मैं बता रही हूँ, स्टडी नीति, दैट मीन्स स्मृति मैम का चैनल, ठीक है, यहाँ पे आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। DI है यहाँ पर सारे टॉपिक्स, जो भी टॉपिक्स आपको यहाँ से नहीं समझ में आ रहे यहाँ से पढ़िए, यहाँ से नहीं समझ में आ रहे यहाँ से पढ़िए। ये वो चैनल्स हैं जो बेस्ट हैं एट प्रेजेंट बैंकिंग प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर करने हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स जब आपके क्लियर हैं छोटी छोटी चीज़ों के, तब आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है अपनी, लाइक हमें ना चीज़ें, लाइक हमें कोई फोर्स करे तब हम कर पाते हैं, क्योंकि हम खुद से नहीं ये बना पाते हैं कि आज मुझे सिलॉजिज्म के 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिर इसके 5 क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट डे हम फिर से सिलॉजिज्म ही सॉल्व करने लग जाएंगे। बट हमें करना क्या होता है, नेक्स्ट डे हमें दूसरा कोई टॉपिक सॉल्व करना होता है, तो ये सब ना करना पड़े इसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स है आपके लिए गाइडली का बंडल PDF कोर्स, ठीक है। सब चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, हर चीज़ परचेज करने वाली नहीं होती, हर चीज़ के लिए आपको पैसे नहीं देने होंगे। जो भी फ्री रिसोर्सेज है मैंने आपको बता दिए कि जिनके वीडियोज़ फ्रीली अवेलेबल हैं उसके लिए आपको कोई पेड कोर्स नहीं लेना है, लेकिन फिर आप जो प्रैक्टिस करेंगे ना यू नीड टू परचेज, जैसे कि अफेयर्स क्लाउड का मैंने बताया आपको करंट अफेयर्स परचेज करना ही पड़ेगा, और यहाँ पे गाइडली का बंडल PDF आप एक बार परचेज कर लीजिए, यू विल बी सॉर्टेड, ठीक है। जो भी चीजें आप यहाँ से परचेज करेंगे उसमें GS12 ये कोड लगा देंगे, एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब आप सुनिए गाइडली के बंडल PDF कोर्स में क्या होता है कि आपको ना डे बेस्ड प्रिपरेशन करवाई जाती है, लाइक डे 1, डे 2, डे 3 से लेकर डे 50 तक आपको कुछ नहीं करना है कि मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन
उस टॉपिक के क्वेश्चंस कहाँ पर मिलेंगे जो कि बिल्कुल न्यू पैटर्न बेस्ड होंगे, अभी जो एग्जाम आ रहा है उसी के लेवल के होंगे, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ डे वन में जाना है, वहां का जो पीडीएफ रहेगा उसको डाउनलोड करना है और फिर आपको इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग सबके क्वेश्चंस अवेलेबल रहेंगे, आपको सॉल्व करना है, वहां पर आंसर्स रहेंगे, डिटेल्ड सॉल्यूशंस रहेंगे, यू विल गेट ईच एंड एवरी थिंग देयर। ओके, अभी कुछ ऑफर्स वगैरह भी चल रहे हैं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा गाइडलीप के वेबसाइट पर जाकर, कुछ ऑफर्स ऐसे चल रहे हैं कि आपको पूरा मतलब 1100 एक बार स्पेंड करने से, है ना, और कुछ भी आप परचेज करेंगे तो ये GS12 ये कोड अप्लाई करेंगे तो ये 12% एक्स्ट्रा मिल जाएगा ऑफ, इसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, ये 12% तो आपको और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, इसे आप अप्लाई कर लीजिएगा। उसको प्लैटिनम पैकेज दैट मीन्स मॉक्स भी अवेलेबल हो रहे हैं, ये पीडीएफ कोर्स, और ये पीडीएफ कोर्स सिर्फ एक एग्जामिनेशन के लिए नहीं है, ये IBPS के सारे एग्जामिनेशन, SBI के सारे एग्जामिनेशन, RBI सारे एग्जामिनेशन के प्री प्लस मेंस सारे अलग अलग पीडीएफ कोर्सेज हैं और सब कुछ आपको मिल जाएगा सिर्फ एक बार एक कोई पैकेज को परचेज करने से। तो जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स होंगे ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां पे जाके चेक कर लीजिएगा और अगर ऑफर्स अभी भी होंगे तो आप परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज पीडीएफ कोर्स को जरूर ले लीजिएगा, वहीं से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। आगे मैं जो भी बताऊंगी फिर नेक्स्ट वीडियोस में, तो वहां पे आप इंश्योर करिएगा कि आपने पीडीएफ कोर्स ये परचेज कर लिया है, ठीक है। और जैसे समझ लीजिए अगर आप पूरा का पूरा नहीं अफोर्ड कर पा सकते हैं ना, तो छोटे छोटे पीडीएफ कोर्सेज भी आप खरीद सकते हैं, जैसे आपको सिर्फ और सिर्फ समझ लीजिए SBI क्लर्क खरीदना है तो वो आपको 1-200 में सिर्फ प्रीलिम्स का मिल जाएगा और ये GS12 ये यूज करने से तो आपको वो 100 समथिंग में मिल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको जो सही लगे, आपको जो अपने अकॉर्डिंग लगे वो आप परचेस कर सकते हैं। तो ये हो गया गाइडली का बंडल पीडीएफ कोर्स, इसमें आपको देना है 3 से 4 आवर्स, 3 आवर्स आप बोल सकते हैं इनफ है इसको पूरा डे बेस सॉल्व करने के लिए और अच्छे से एनालाइज करने के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 आवर्स आपको एक्स्ट्रा रखनी है हमेशा मॉक के लिए। 1 आवर में आप मॉक देंगे और दूसरे आवर में आप मॉक को एनालाइज करेंगे कि आपने कहाँ पर लैक किया है, आपके वीक एरियाज कौन से थे, उसको आप कैसे एनहेंस करेंगे, कैसे इम्प्रूव करेंगे, ये सारी चीजें अच्छे से आप एनालाइज करेंगे। इसलिए 2 आवर्स हमेशा आपको मॉक के लिए रखना है। आप अगर ये चीज 1.5 आवर में भी कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मॉक्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में। इस कौन से मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ, गाइडली का मॉक टेस्ट एकदम एग्जाम लेवल है, बिल्कुल मतलब इसमें नो डाउट है गाइडली का मॉक टेस्ट एग्जाम लेवल है, ठीक है। तो आप जाके लिंक से मॉक्स भी अलग अलग से परचेज कर सकते हैं या फिर एक साथ आप ईयरली मॉक का पैकेज भी ले सकते हैं, ठीक है, बहुत अफोर्डेबल, वेरी अफोर्डेबल, और वहां पर वो 12% ऑफ GS12 ये कोड अप्लाई करने से हो जाएगा। और दूसरा मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ स्मार्ट कीड़ा का, ठीक है, लेकिन जब मेंस की बात आती है तो मेंस के लिए आप साथ साथ में ऑलिव बोर्ड का रखिएगा ही रखिएगा। और ये चीज याद, हमेशा आपको 2 सोर्सेज लेकर चलनी है ऑलवेज, चाहे वो करंट अफेयर्स की बात हो या मॉक की बात हो। ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी आदत हो जाती है एक ही पैटर्न पे प्रैक्टिस करने की, इसलिए हमेशा 2 मॉक्स लेकर चलें, चाहे आप प्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम एक परचेज कर ली और दूसरे आप अलग अलग वेबसाइट पे जाके, सब में कोई ना कोई फ्री मॉक्स भी रहते हैं तो आप उसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो एक मॉक परचेज कर लीजिए कोई भी और दूसरा आप फ्री फ्री मॉक से लगा सकते हैं। ये हो गई मॉक की बात। मॉक और मेंस की मॉक की अगर बात करें तो अभी स्टार्टिंग में आप एटलीस्ट 10 डेज में एक बार एक मेंस का मॉक जरूर देंगे, ठीक है। तो आप वो उसका फ्री मॉक का लिंक भी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगी, ऑलिव बोर्ड का है, ऑलिव बोर्ड के फ्री मॉक टेस्ट जितने भी मेंस के मॉक होंगे उनका लिंक भी हम प्रोवाइड कर देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाकर उसे अटेम्प्ट कर लीजिएगा। अपनी प्रिपरेशन के स्टार्टिंग डेज में 10 डेज में एक मेंस का मॉक जरूर दीजिएगा और एनालाइज करिएगा, उसके लिए आपको खुद से टाइम निकालना है, ओके। चीजों के बाद सेल्फ प्रैक्टिस की, कि हर चीज के बाद आपको सेल्फ प्रैक्टिस की भी नीड है, तो आप वो कहाँ से करेंगे, बुक्स से करेंगे, है ना, बुक्स से करेंगे। तो बुक्स अगर आपको रिकमेंड करूं तो टेस्ट बुक की स्मार्ट बुक है फॉर क्वांट एज वेल एज इंग्लिश, ठीक है, क्वांट की आपकी हो गई, इंग्लिश की आपकी हो गई। और रीजनिंग की अगर हम बात करें तो अड्डा की एस जो है ये अच्छी है बुक है। तो अगर बुक्स से आपको प्रिपरेशन करनी है, बुक्स से आपको प्रैक्टिस करने हैं अदर क्वेश्चंस,
तो आप ये बुक्स को रेफर कर सकते हैं। और वो रूल्स वाली बुक मैंने बताई आपको, निमिषा बंसल मैडम की 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, ठीक है। अपने जो वीक एरियाज हमने बोला ना, मॉक में आप जो देखेंगे आपको वीक एरियाज लगते हैं, उसको आप अगर सही करना चाहते हैं तो या तो आप वीडियो सोर्सेस को रेफर कर सकते हैं, या आपको अगर बुक से पढ़ना है तो बुक्स ये मैंने आपको बता दी, मतलब बेस्ट बुक्स है, उनके रिव्यू भी मेरे चैनल पर डली हुई है, आप देख सकते हैं। और आगे आने वाले डेज में हम जरूर इन बुक्स पे फिर से आपको रिव्यू देंगे और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है, इन बुक से, ताकि आपको ज्यादा अच्छा एक डीपर इंसाइट हो सके। ओके, इंग्लिश के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने छोड़ दिया कि आपको ना डेली बेसिस पे थोड़ा सा आरसी की प्रैक्टिस करनी है, भले एक आरसी आप करिए लेकिन डेली बेसिस पे एक प्री और मेंस लेवल की आरसी आप प्रैक्टिस करेंगे। आप एरिस्टोटल आरसी 99 ये पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे अवेल करवा दिया है, आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया होगा तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इंग्लिश के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्वांट की बात करें, चीजें जैसे कि टेबल्स 20 तक के, स्क्वायर्स अप टू 30, क्यूब्स अप टू 15 और 20, स्क्वायर्स स्क्वायर रूट्स का शॉर्ट ट्रिक्स, क्यूब्स क्यूब रूट्स का शॉर्ट ट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन का शॉर्ट ट्रिक्स, ये सारी चीजें ना जो भी स्पीडी मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं वो आपको करियर डिफाइनर के चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप लर्न कर सकते हैं, या तो अड्डा में भी आपको मिल जाएगी, मतलब आपको सिर्फ टाइप करना है, यूट्यूब पे एवरीथिंग इज अवेलेबल। ओके, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज का कन्वर्जन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज का कन्वर्जन, इसको भी टेलीग्राम चैनल पे अवेल करवाया है अभी फिर से, अगर आपको नहीं मिला होगा तो फिर से आप कमेंट करिएगा, हम फिर से अवेल करवा देंगे आपको, ठीक है। तो ये क्वांट के लिए कुछ चीजें आप याद रखिएगा, ये बंडल पीडीएफ कोर्स में रहे या ना रहे, लेकिन एक चीज आप याद रखिए ना, कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये चारों चीजें, मतलब इसके आप बोल लीजिए 10-10 क्वेश्चन आपको एवरी डे प्रैक्टिस करना है, और ये 10 क्वेश्चन आपको कोशिश करना है 4 मिनट में हो जाए, ये 10 क्वेश्चन आपको कोशिश करना है 4 मिनट में, इस तरीके से आप 15 से 20 मिनट में ट्राई करिए कि ये आपका कवर हो जाए पूरे 40 क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको ट्राई करना है, इस लेवल तक अपने आप को पहुंचाना है। ओके, तो क्वांट के लिए ये कुछ चीजें आप याद रखिए, बाकी आपको सब कुछ कवर हो जाएगा जो मैंने बताया है। और उसी तरीके से अगर हम रीजनिंग की बात करें, और डीआई, डीआई आपको याद रखिए, एवरी डे आपको 2 से 3, मतलब ये मैं एक्स्ट्रा चीजें बता रही हूँ, अगर आपके गाइडली के बंडल पीडीएफ कोर्स में ये चीज नहीं भी होगी फिर भी आपको करनी है कि 2 से 3 डीआई आपको प्री लेवल की, और 2 से मतलब आप बोल सकते हैं 1 डीआई मेंस लेवल की अभी आपको सॉल्व करनी ही करनी है एवरी डे, ये आप आदत बना लीजिए। और ये डीआई सारे टाइप्स की होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हर एक ही टाइप की डीआई आप एवरी डे सॉल्व कर रहे हैं, हर टाइप की डीआई, मिसिंग डीआई, केसलेट हो गया, हर टाइप का डीआई आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। उसी तरीके से हम बात करते हैं रीजनिंग के बारे में, तो रीजनिंग में आपको पजल्स याद रखना है कि आपको प्री लेवल का 4 पजल हर दिन बनाना है और 1 पजल मेंस का हर दिन बनाना है, इसको अपने आप आदत में रखिए। आपका मेंस वाला स्टार्टिंग में अगर एक आध दिन स्किप भी हो रहा है ना, लाइक पूरे 7 डेज में अगर आप 4 डेज भी इस चीज को फॉलो कर ले रहे हैं अभी स्टार्टिंग में, बाद में हम मेंस के लिए और रिगरस प्रिपरेशन करेंगे, अभी स्टार्टिंग में अगर आप 7 में से 4 से 5 दिन बना रहे हैं अगर एवरी डे मेंस का 1 पजल तो ठीक है। ओके, पजल्स में भी आपको ये चीज ध्यान देना है कि आपको सारे टाइप्स के पजल्स कवर करने हैं, ना कि सिर्फ एक टाइप का। और जिस तरीके से हमने क्वांट में सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन की बात की, यहाँ पर इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डिस्टेंस डायरेक्शन, सिलोजिज्म, ये सारे के सारे आपको ये याद रखना है कि 5 क्वेश्चन एवरी डे करने हैं, ये 5 क्वेश्चन इनफ है, 5 क्वेश्चन एवरी डे करने हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मॉक्स देते हैं तो सिर्फ मार्क्स पे फोकस नहीं करना है, आपको परसेंटाइल इंक्रीज करना है, ये जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं ये नहीं समझते हैं, परसेंटाइल आपको इंक्रीज करना है, आपको मॉक्स किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं और कैसे प्रॉपर एनालिसिस करनी है उसकी एक वीडियो डली हुई है चैनल पे, आप एक बार देख लीजिएगा सर्च करके सीक्रेट स्ट्रेटजी ऑफ मॉक्स साबिया रुखसार ऐसे करके, ठीक है, तो वो आपको बेस्ट वहां पर मैंने बेस्ट तरीके से समझाया हुआ है। जबरदस्ती के नोट्स नहीं बनाने हैं करंट अफेयर्स के, जबरदस्ती के, अदरवाइज किस शॉर्ट नोट्स करके अपने नोट्स डाले हैं, एक बार आप देख लीजिएगा कि किस तरीके के नोट्स बनाने हैं, उसको भी आप सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। द हिंदू एडिटोरियल को आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, वो आपके करंट अफेयर्स में काम आएगा, वो आपके मेंस में काम आएगा, वो आपके इंटरव्यू में काम आएगा, क्योंकि उससे आपका एक ओपिनियन बन जाता है, एंड आपके पीओ के एग्जामिनेशन में, आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में आपके काम आएगा एसए में, ठीक है। तो द हिंदू एडिटोरियल हमें एक दिन भी स्किप नहीं करना है, इफ करंट अफेयर्स भी आपको एक दिन भी नहीं छोड़ना है, मॉक टेस्ट भी आपको एक दिन भी नहीं छोड़ना है।
और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, मतलब इस पॉइंट को अगर आपने नहीं पकड़ा तो फिर आपका सब वेस्ट, जो भी क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है वो किसके साथ करना है ये चीज को आप बिल्कुल अपने साथ बांध लीजिए। वो आपको टाइमर के साथ प्रिपेयर करना है, क्योंकि प्रिपरेशन तो हर कोई करता है, एक एवरेज बच्चा भी और एक जो बिल्कुल कभी भी क्लियर नहीं कर पाएगा इस टाइप का स्टूडेंट भी प्रिपरेशन करता है। प्रिपरेशन ऐसा नहीं है कि कोई नहीं करता है, लेकिन टाइमर के साथ प्रिपरेशन, आप उस फ्लो में आइए, जिस फ्लो में आपको प्रीलिम्स का एग्जाम देना है वहाँ बहुत ज्यादा स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, लाइक आप DI के 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तो आप अपने मन में रखिए कि मुझे 2 से 3 मिनट में पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और अगर आप बिना टाइमर के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वेस्ट है, इस चीज को मान लीजिए, ठीक है। तो टाइमर के साथ ही गाइडली का बंडल PDF आप सॉल्व कर रहे हैं या खुद से बुक्स पे सॉल्व कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आप टाइमर का ध्यान रखिए, अपने साथ एक टाइमर लगा कर चलिए, ठीक है। आई होप यू गॉट एवरीथिंग यू वॉन्टेड, जो भी चीजें आपकी रिक्वायर्ड थी वो फुलफिल हो गई होंगी। अब आपको करना है, अब मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, अब करने वाला सिर्फ आप है, ठीक है। तो आज से बिल्कुल लग जाइए, आगे के सारे एग्जामिनेशन अभी रखे हुए हैं 2022 के। इस साल भी ऐसे बहुत सारे एस्पायरेंट्स हैं जिन्होंने क्लरिकल एग्जामिनेशन, दोनों तीनों PO के एग्जामिनेशन, इंटरव्यू तक जा रहे हैं अभी वो सब, क्योंकि एक बार जिस बच्चे ने ये सारी चीजें पकड़ ली ना, तो फिर उसका लाइन से सारे एग्जाम क्लियर होगा। तो बिल्कुल यू नीड टू बी वन ऑफ दोज, ओके। सो 2022 इज योर्स, बिल्कुल आज से लग जाइए। अब अभी तक जो भी मैंने बताया उसमें कोई भी डाउट होगा अगर आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। दैट वॉज ऑल फॉर टूडे, दिस इज साबिया साइनिंग ऑफ, सी यू आर इन अवर नेक्स्ट सेशन, एंड टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। जस्ट रीड दिस स्मॉल कोट, सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। ऐसा नहीं कुछ हो जाएगा कि एक दिन में कुछ मिराकल हो जाएगा, यही छोटी छोटी चीजें जो हमने बताई आपको, टाइम टेबल बनाकर सारी चीजें करनी है, रूटीन में आपको इन चीजों को लाना है, तो इन सभी चीजों का आपके स्मॉल एफर्ट्स का एक दिन जो सम होगा ना, वही आपका सक्सेस होगा, ओके। सो रूटीन को, अपने टारगेट्स को एवरी डे अचीव करिए, ओके। प्रोकेस्टिनेट नहीं करना है, पोस्टपोन नहीं करनी है चीजों को। दैट वॉज ऑल फॉर टूडे, दिस इज साबिया साइनिंग ऑफ, यू आर इन नेक्स्ट सेशन।